अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एफएसआईडी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक, पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। हाशमी पेट नीड्स द कंप्लीट पेट शॉप। वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ ब्रांडेड पेट फूड्स एंड एक्सेसरीज लाइक ड्रोल्स, रॉयल कैनिन, विस्कास, पेडिग्री एंड मेनी मोर लीडिंग ब्रांड्स। हाशमी पेट नीड्स बिसाइड हाशमी ब्रदर्स मेगा सुपरमार्केट, न्यू टाउन, महबूब नगर। FSIT security systems. We provide all types of CCTV camera sales and services in wholesale prices. FSIT security systems opposite Chacha Bhutta Masjid, Mehboob Nagar. Call us for orders. मैं आज इस मौके पर इस बात को भी कहना जरूरी समझता हूं कि तेलंगाना में तेलंगाना की हुकूमत ने और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी इस बात की नुमाइंदगी की थी और रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला ने इस तजवीज़ को कबूल किया और एक सुदीर कमेटी को बनाया था। सुदीर कमेटी ने तेलंगाना में मुसलमानों के समाजी, इक्तसादी, तालीमी और सेहत में, रोज़गार में, गरीबी में इनका क्या मौक़ है, कितने हमारे बच्चे और बच्चियां तालीम एनरोलमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितने बाहर हैं, हुकूमत में मुसलमानों के नौकरियों में कितना तनासुब है और हुकूमत में दीगर जितने महकमे जात में है उसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी का तनासुब क्या है, और सिफारिशात भी उस रिपोर्ट ने पेश किए थे तेलंगाना की हुकूमत को। उस सुदीर कमीशन की रिपोर्ट 2016 में उसको कमेटी बनाई गई थी। उसके बाद उस कमेटी ने तेलंगाना के मुसलमानों के ताल्लुक से कहा कि तेलंगाना के मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट है मुसलमानों के अंदर, वो हमारे हिंदू भाइयों के बैकवर्ड कास्ट से भी उनका मौक़िफ़ कम है, और उस रिपोर्ट ने कहा था कि तेलंगाना के मुसलमानों को, जो मुसलमानों में बैकवर्ड कास्ट है, मुसलमानों पूरे मुसलमानों को नहीं, जो मुसलमानों में बैकवर्ड कास्ट है उनको रिजर्वेशन या तहफ़ुज़ात मिलना चाहिए, और इसलिए नहीं बल्कि वो मुसलमान है इसलिए क्योंकि जो पसमानदगी का, बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया है जो मंडल कमीशन ने, इंदिरा साहनी के जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस बुनियाद पर मुसलमानों में जो बैकवर्ड क्लास हैं, कास्ट है, उनको मिलना चाहिए। और उस कमीशन ने यह कहा कि 4% रिजर्वेशन जो मुसलमानों को मिल रहा है वो नामुनासिब है, क्योंकि उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुसलमानों में 81% जो मुसलमानों में जो कास्ट है बैकवर्ड क्लास की, वो पसमानदा है, बैकवर्ड है। तो उस कमीशन ने, सुदीर कमेटी ने ये सिफारिश पेश की कि मुसलमानों को रिजर्वेशन तहफ़ुज़ात 9% से और 12% तक मिलना चाहिए, 9-12% की उन्होंने सिफारिश की सुदीर कमेटी ने, जिसमें हमारे क्रीमी लेयर को भी शामिल किया गया। जो मुसलमान क्रीमी लेयर में नहीं आते, माने क्रीमी लेयर में आते हैं, उनको रिजर्वेशन ना मिले, उसकी भी सिफारिश की। तो BCE कैटेगरी में सुदीर कमेटी ने यह सिफारिश पेश की कि तेलंगाना के मुसलमानों में जो बैकवर्ड क्लास या कास्ट है उनको 9% से लेकर 12% तक रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और हमारे आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन की आर्टिकल 15(4), 15(5) और 16(4) के तहत रिजर्वेशन मिल सकता है। तो सुदीर कमेटी ने ये तमाम चीज़ें गौर की और सुदीर कमेटी ने ये कहा कि सिर्फ मुसलमानों में जो बैकवर्ड क्लास हैं तेलंगाना में, उसमें से सिर्फ 13.3% यानी 13% लोग सिर्फ मैट्रिकुलेशन मुकम्मल करते हैं और 16% मुसलमान कभी भी किसी भी तालीम इदारे में शामिल नहीं हुए हैं। ये हमारे शेड्यूल ट्राइब भाइयों से उसके बाद तेलंगाना के मुसलमानों का दूसरा नंबर आता है। और साथ ही साथ सुदीर कमेटी ने ये भी कहा कि मुसलमान ड्रॉप आउट रेट में सबसे ज़्यादा हैं और मुसलमानों की तालीम तर्क करने के कई वजूहात हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारे पास मुसलमान बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने के लिए पैसों की कमी है और इसीलिए
एक बड़ी वजह बनती है कि मुसलमान अपनी गरीबी की वजह से अपनी औलाद को तालीम नहीं दिला सकता। और उस रिपोर्ट सुधीर कमेटी की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 62% मुसलमान तेलंगाना में नॉन पक्का घरों में, नॉन पक्का हाउसेस में रहते हैं, जो तमाम दीगर कम्युनिटीज में सबसे ज़्यादा है। सिर्फ 10% मुसलमानों को बैंक से लोन मिलता है, सिर्फ 5% मुसलमान इंटरमीडिएट की तालीम मुकम्मल करते हैं, जबकि हम आबादी में 13% हैं और हमारे सिर्फ 5% बच्चे इंटरमीडिएट की तालीम मुकम्मल करते हैं। उस सुधीर कमेटी ने यह भी कहा कि सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट में सिर्फ 7% मुसलमानों के पास गवर्नमेंट की नौकरी है। और उस रिपोर्ट में ये भी कहा कि गजेटेड ऑफिसर्स मुसलमानों में खाली 1.43% है और 42% नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज़ हैं। सो उसने कहा कि ये खुद आदाद व शुमार इस बात को बताते हैं कि हमारे आईन के कॉन्स्टिट्यूशन की 16(4) के तहत मुसलमानों को, मुसलमानों में जो तेलंगाना में बैकवर्ड क्लास या कास्ट से, उनको रिजर्वेशन मिल सकता है। और ये भी कहा कि जो परसेंटेज ऑफ मुस्लिम ओबीसीज जो पब्लिक सेक्टर में काम करती हैं वो सिर्फ 3.6% है और सिर्फ 4% मुसलमान गवर्नमेंट पोस्ट पर है। और उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम वर्कर्स जो हैं वो कैजुअल लेबर में कैजुअल लेबर के तौर पर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। अगर आप देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा है मुसलमानों में, 26.5% मुसलमान वर्कर्स कैजुअल लेबर के तौर पर जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर काम करते हैं। उसके बाद नंबर आता है हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों का 23.1% और शेड्यूल ट्राइब लोगों का 23.8%। सिर्फ 4% मुसलमान सेल्फ एम्प्लॉयड एग्रीकल्चर में और कैजुअल लेबर का आपको बता दिया हूँ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का। तो इससे तमाम बातें मालूम होती हैं कि ज़्यादा मुसलमानों के पास ज़मीन नहीं है और बेरोज़गारी मुसलमानों में सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए ये आदाद व शुमार मैं पेश आपके सामने कर रहा हूँ, क्योंकि ये तेलंगाना की हुकूमत की बनाई हुई सुधीर कमेटी की रिपोर्ट है। इसीलिए मैं आज के इस फंक्शन से तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि तेलंगाना के मुसलमानों को जो 4% रिजर्वेशन मिल रहा है वो नाकाफ़ी है। और हम खैर मुकदम करते हैं कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन 10% किया है, हम उसका वेलकम करते हैं। हम हुकूमत तेलंगाना से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से अपील करते हैं, इस बात का मुतालबा करते हैं कि जिस तरह से सुधीर कमेटी ने कहा कि 9 और 12% के दरमियान रिजर्वेशन मिलना चाहिए, फिर ये सुधीर कमेटी की रिपोर्ट तेलंगाना के बैकवर्ड कमीशन को गई। उस बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट ने अपनी सिफारिशात में ये रिपोर्ट तेलंगाना की सरकार को दी कि तेलंगाना के मुसलमानों को तालीम में और रोज़गार में उनको 12% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो हम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा करते हैं कि सुधीर कमेटी की रिपोर्ट के तमाम सिफारिशात, उनके आदाद व शुमार, उनका डेटा, एम्पिरिकल डेटा इस बात को बताता है कि तेलंगाना के मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट है वो सबसे ज़्यादा पसमानदा हैं और मुसलमानों में 81% वो लोग हैं जो बैकवर्ड क्लास में उनका शुमार होता है। हम तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि मुसलमानों के रिजर्वेशन को 4% से बढ़ाया जाए। ये हमको ये इंसाफ का तकाजा है, ये रिप्रेजेंटेशन का तकाजा है, ये मुसलमानों की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा, एक ताकत के तौर पर एक बहुत बड़ा इकदाम होगा। तो हम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं कि तेलंगाना के मुसलमानों का रिजर्वेशन जो 4% है उसको बढ़ाया जाए। हाँ, इसमें कानूनी लड़ाई अभी लड़ी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में 4% का रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई गई है और सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी देख रहा है कि जो 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन जो मोदी हुकूमत ने दिया है इकोनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट उसको, अब नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा,
अगर सुप्रीम कोर्ट फर्ज करिए अपने फैसले में उसको अफेंड करता है तो 50% को हम क्रॉस कर रहे हैं। तो हम हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि मौजूदा दौर में जब हुकूमत ने सुधीर कमेटी को बनाया, सुधीर कमेटी की सिफारिशात हैं और फिर तेलंगाना के बैकवर्ड कमीशन ने भी इसकी सिफारिश की है, हम तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि तेलंगाना के मुसलमानों में जो 81% लोग जो बैकवर्ड कास्ट के हैं उन मुसलमानों को 4% से उनका रिजर्वेशन बढ़ाया जाए, चाहे वो 9 हो या 12 हो, मगर 4% नामुनासिब है हमारे लिए, नाकाफी है मुसलमानों को उनका जायज़ मुकाम दिलाने के लिए। और साथ ही साथ मैं इस बात का भी मुतालबा करता हूँ तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से कि हमारे दलित भाइयों का रिजर्वेशन भी वो 15% से 17% होना चाहिए, क्योंकि उनकी आबादी, उनका पॉपुलेशन बड़ा है। तो तेलंगाना में जो हमारे ओबीसी भाइयों का रिजर्वेशन है वो करीब 50% उनकी आबादी है, 37% उनको मिल रहा है। तो हम तेलंगाना की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि तेलंगाना के मुसलमानों का रिजर्वेशन 4% से बढ़ाया जाए, हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों का रिजर्वेशन 15 से 17% किया जाए। हम वेलकम करते हैं कि तेलंगाना की हुकूमत ने शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन 10% किया है, 50% की सीलिंग को क्रॉस करना है। अगर हम ये सब करते भी हैं तो 63 या 64% होगा, जबकि तमिलनाडु में 69% है और नॉर्थ ईस्ट के 2-3 स्टेट में तो उससे भी ज़्यादा है। तो ये अहम डिमांड है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ही नहीं बल्कि तेलंगाना के सब मुसलमानों का, तेलंगाना के उन लोगों का ही भी मुतालबा है जो इंसाफ पसंद हैं, जो चाहते हैं कि तेलंगाना में ये कमज़ोर तबकात को उनका हक मिले। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा करती है। और 4% का जो रिजर्वेशन का केस चल रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं कि तेलंगाना की हुकूमत को एक बेहतरीन कानूनी टीम बनाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकलाओं को रख कर वो 4% की लड़ाई हमको कामयाबी हासिल करना है। और मुझे यकीन है कि हमारा पास जो एम्पिरिकल एविडेंस है उसको अगर हमारे वकला जो मुझसे ज़्यादा काबिल हैं इंशाल्लाह उसको रखेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट को बता सकेंगे कि संविधान और आईन के आर्टिकल 15 और 16 के तहत तेलंगाना के मुसलमानों में जो बैकवर्ड क्लास है उनका रिजर्वेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये चंद गुजारिशात मुझे कहना था और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बात को हुकूमत के पास भी जाकर हम नुमाइंदगी करेंगे। 4% की कानूनी लड़ाई तो लड़ी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, मगर ये 4% तेलंगाना के मुसलमानों के लिए नाकाफी है। हम तेलंगाना की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पूरी कानूनी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को सामने रखकर कानूनी पेचीदगियों को दूर करते हुए तेलंगाना के मुसलमानों के 4% के तहफ़ुज़ात को बढ़ाने की बहुत सख्त ज़रूरत है, ताकि तेलंगाना के मुसलमान जो बैकवर्ड क्लास में उनका 81% है वो तेलंगाना को मजबूत बनाएंगे, तेलंगाना में समाजी इंसाफ होगा और हमारा मुल्क भारत एक ताकतवर मुल्क बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।